दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो पर बताया हुआ था कि मैं आपके लिए एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ए टू जेड पूरा सिखाऊंगा कि यूट्यूब पर आप कैसे काम कर सकते हो, यूट्यूब पर आप कैसे वीडियो बना सकते हो, क्या कुछ आपको करना होता, सारा कुछ आपको ए टू जेड सिखाने वाला हूँ अपनी सीरीज में। तो आज मैं सीरीज का फर्स्ट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो, खुद के अपने मोबाइल से अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हो और वहां पर वीडियो बना करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको स्पेशल यही बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक चैनल बना सकते हो और वहां पर वीडियो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आप भी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो और अपना खुद का एक चैनल बनाना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीके टेक्निकल भैया में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपना खुद का एक चैनल बनाने के लिए कुछ भी यहाँ पर आपके पास होना जरूरी नहीं, बस आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जो कि नॉर्मली आप लोगों के पास होती है अगर आप मोबाइल यूज करते हो। नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल पर जाकर के आसानी से आप एक खुद का अपना जीमेल आईडी बना सकते हो, उसके बाद आप अपना एक खुद का चैनल बना सकते हो। तो चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको अपना खुद का एक YouTube चैनल बनाना होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर गूगल पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे इस फोन में बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पर ईमेल आईडी कोई भी लॉगिन नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको ईमेल बनाना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ईमेल है तो यहाँ पर आप इसको डाल सकते हो सिंपल सा और नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो मैं न्यू बनाना चाहता हूँ, कोई भी मेरे पास मान लो ईमेल नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके और फॉर माई सेल्फ पर आपको क्लिक करके और यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिस भी नाम से बनाना चाहते हो तो पहले तो वहाँ पर आपको नाम दे देना है, तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ। उसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है सिंपल सा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है। सो यहाँ पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको लिख देना है। जेंडर में आपका जो भी जेंडर हो, मेल फीमेल वगैरह जो भी हो, तो आपको सिंपल सा सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आपका जीमेल बनने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जिस भी नाम से आपको जीमेल बनाना है तो सिंपल सा आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं देखो अपना खुद का नाम ही लिख देता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये चीज़ अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, तो देखो ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ गिनती वगैरह भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये अवेलेबल हो जाए। सो देख सकते हो कुछ मैंने इस तरीके करा, तो यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ नहीं है, लेकिन नीचे कुछ यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि ये चीज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखो ये वाला मैं अगर चाहूँ तो ये वाला बना सकता हूँ। तो सिंपल से मुझे नेक्स्ट वाले बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर आपको जो भी आपका पासवर्ड देना होगा तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे सकते हो, तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड भी दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट वाले बटन पर फिर से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा सिंपल सा एक जीमेल आईडी बन करके रेडी हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो भी ये एक्सेप्ट अगर आप क्लिक करने का कर रहा है तो यहाँ पर आपको सारा कुछ एग्री कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन हो। सो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने एक खुद का अपना एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे चलना होगा अपने यूट्यूब वाले एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर चलता हूँ यूट्यूब वाले एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने यूट्यूब ओपन करा ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मैंने वहाँ पर ईमेल आईडी बनाई हुई थी, जो भी अपने नाम का जीमेल बनाया था, यहाँ पर देखो यूट्यूब पर ऑटोमेटिक लॉगिन होकर के आ जाता है। तो अब यहाँ पर आपको चैनल बनाने के लिए करना क्या है, सिंपल से ये जो आपको यहीं पर कॉर्नर पर जो आपका लोगो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको एक बार सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका जो भी जिस नाम से आपने ईमेल बनाया था और जो भी आपने ईमेल आईडी बनाई थी, ये चीज़ यहाँ पर आपका जीमेल दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें चैनल बनाने के लिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन मिलता है योर चैनल का, यहाँ पर आपको योर चैनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक्चुअली में आपका कोई चैनल तो यहाँ पर बना नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट चैनल करके एक ऑप्शन आ चुका है जहाँ पर आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो भी जीमेल में आपका नाम होगा ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख करके आ जाता है। तो जिस भी नाम से आपको चैनल बनाना होगा सिंपल से आपको वही नाम यहाँ पर टाइप कर देना होगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा नाम लिखा, तो इसको मैं हटा देता हूँ और मान लो कि यहाँ पर मैं टेस्ट करके लिख देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी अपने चैनल का जो भी आप नाम रखना चाहते हो ना वो आप रख सकते हो। यहाँ पर मैं सिर्फ टेस्ट लिख देता हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ बना करके दिखा रहा हूँ, ना कि मैं अपने लिए खुद बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हो। देख सकते हो टेस्ट और चैनल कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैंने ये नाम लिख दिया टेक्स्ट चैनल, तो जो भी मतलब चैनल बनेगा ना तो इसी नाम से बनेगा। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप अपने चैनल का नाम रखोगे ना वो एकदम यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब कि सबसे अलग होना चाहिए, मतलब ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर बना हुआ। अगर आप इस तरीके से यूनिक नाम रखोगे ना तो कोई भी अगर सर्च करेगा
रहेगा आपके चैनल का नाम तो आपका टॉप में आएगा, यानी कि सबसे पहले ऊपर सर्च में आएगा। अगर आप किसी का मिलता जुलता नाम रख लोगे तो फिर आपके चांस कम हो जाएंगे सर्च में आने के लिए, इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल यूनिक नेम रखना होगा। यूनिक नेम आप कैसे पता कर सकते हो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया टेक्स्ट चैनल, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो चैनल क्रिएटेड लिख करके आ चुका, मतलब चैनल क्रिएट हो चुका है, कुछ इस तरीके से आपका चैनल दिखाई भी दे रहा है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अब मैं सिंपल सा एडिट चैनल पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपका चैनल बन चुका, तो यहाँ पर अब आप अपने चैनल के लिए अगर चाहो तो अपना नाम भी यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके अपना नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप एड ए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि आखिर आप अपने चैनल पर क्या देना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन पर वो चीज़ भी लिख सकते हो कि आखिर आपके चैनल पर क्या मिलने वाला है, ताकि आपके सब्सक्राइबर्स को आपके ऑडियंस को पता चल सके कि आखिर किस टाइप का चैनल है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर दो प्राइवेसी भी दिखाई दे रही है, कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, जो भी आपने जिसको सब्सक्राइब कर रखा होगा अगर आप वो चाहते हो कि वो आपका प्राइवेट रहे, लोगों को ना दिखाई दे कि किस किस को आपने सब्सक्राइब करा है, तो इसको आपको ऑन रखे रहना है। और जो आप प्लेलिस्ट करते हो ना, जो भी आप वीडियो देखते हो तो प्लेलिस्ट में सेव कर लेते हो, तो अगर आप चाहते हो कि वो भी किसी को दिखाई ना दे तो इसको भी आपको ऑन रखने देना। ठीक है, इनको दोनों को आपको ऑन रखना है अगर आप नहीं शो करना चाहते हो। उसके बाद अपना खुद का एक अपने चैनल का लोगो बना लेना है, और यहाँ पर क्लिक करके अपना लोगो लगा देना है गैली से लेकर के, और यहाँ पर आपको बैनर बना लेना है, और बैनर भी यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, बैनर और लोगो किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा पूरी तरीके से मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है, टेक्स्ट चैनल नाम से देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप इसमें वीडियो कैसे अपलोड करोगे, यहाँ पर सिंपल से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और अपलोड ए वीडियो करके ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप फुल वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट वीडियो डालना चाहते हो तो यहाँ पर क्रिएट ए शॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप शॉर्ट वीडियो डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड ए वीडियो पर जैसे मैंने क्लिक करा, तो जो भी आपका गैलरी में वीडियो होगा ना वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके और सिंपल से इसको नेक्स्ट पर क्लिक करके, और यहाँ से आप सक्सेसफुली इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर आप अपना टाइटल भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, इसकी विजिबिलिटी कर सकते हो कि अनलिस्टेड रखना है, प्राइवेट रखना है, या फिर पब्लिक रखना है, लोकेशन वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और किसी भी प्लेलिस्ट पर भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले तो नोमेड फॉर किड्स कर लीजिए, अगर आपका नोमेड फॉर किड्स अगर बच्चों के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो देख सकते हो यहाँ पर वीडियो सक्सेसफुली अपलोडिंग में लग चुका है। अब जितना एमबी का होगा तो वो तो डिपेंड करेगा कितना बड़ा कितना छोटा आपका वीडियो, उसी हिसाब से आपको टाइम लगने वाला है। तो इस तरीके से आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, और इसमें थंबनेल यानी कि बैनर कैसे लगाया जाता है वो भी मैं आने वाली वीडियोस पर आपको सिखा दूंगा, सारा कुछ सिखा दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना एक खुद का अपने ही मोबाइल से अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हो, और यहाँ पर वीडियो डाल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पर आज तो मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आप अपना चैनल बना सकते हो, आने वाली वीडियोज पर मैं और भी आपको चीजें सिखाऊंगा, किस तरीके से आपको सही तरीके से वीडियो अपलोड करना है, किस तरीके से आपको थंबनेल बनाना है, क्या कुछ करना होता है, कैसे वेरीफाई करना है, किस तरीके से इसको मोनेटाइज कराना है, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, सारा कुछ आने वाले वीडियोस पर आपको सिखा दूंगा। सो आई होप कि आज के वीडियो आपका जरूर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा इस तरह का इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।